जय सियाराम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हैं हम यहाँ पर ये वीडियो में सिल्वर के बारे में क्या हो सकता है, गोल्ड के बारे में क्या हो सकता है। आगे की भी जो चर्चा है वो हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो कल जो है वो मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा एक बढ़िया बाउंस जो है वो लेने की कोशिश करी, और एक अच्छा जो रेजिस्टेंस था उसका भी जो है वो मार्केट ने सम्मान किया था पूरा पूरा, उसकी भी जो है वो हम चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले भी एक चर्चा दोस्तों आपके साथ करी थी कि आप में से बहुत सारे दोस्त जो है वो वीडियो को देखते जरूर है लेकिन चैनल को अब तक शायद सब्सक्राइब ना किया हो, भूल गए होंगे। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करें तो तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन के साथ आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे दोस्तों को कुछ कंप्लेन था कि हमें वीडियो समय से नहीं मिल रहा है, तो शायद एक बार आप जो है वो सब्सक्राइब करके ऑल वाला जो बटन है वो एक बार जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे की चर्चा फटाफट में शुरू कर देता हूँ क्या हो सकता है उसके बारे में। तो सिल्वर के अंदर जो है वो दोस्तों चर्चा करते अभी 83,500 के आसपास चल रहा है। कल एक टेम्पररी सपोर्ट की भी चर्चा करी थी कि ये जो है वो बेहतरीन सपोर्ट रह सकता है, और एक बड़ा जो सपोर्ट है कल भी बात करी थी, आज भी सेम रहेगा 81,700। जब तक ये लेवल के आसपास है तब तक ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो फिर सिल्वर में प्रॉब्लम बड़ा आएगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक जो ये करेक्शन हुआ है ये करेक्शन को हम एक नॉर्मल करेक्शन की तरह ले सकते हैं। इसके नीचे जाने के बाद कुछ हमें नई तरीके से सोचना पड़ेगा, अगर वो काटेगा तो देखेंगे। बाकी जो है वो कैसे हमें संकेत मिलेंगे उसके बारे में जो है वो मैं आपके साथ जरूर जो है वो मिलेगा मुझे जैसे ही संकेत कि ये मार्केट के अंदर क्या जो है वो करने की कोशिश है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी एक बार के लिए एक बार कल का जो वीडियो है वो एक बार देख लेते हैं तो कि क्या रेजिस्टेंस बात जो है। रहेगा दोस्तों हमारा नजदीक का वो अगर आप ध्यान में रखना चाहो, छोटा सा है बाउंस, अगर लेना चाहे तो 83,525 के आसपास है, 83,525 के आसपास। और बड़ा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा कुछ 84,150 के आसपास, 150, ठीक है, 84,150 ये लेवल, ठीक है। ये कल का वीडियो है दोस्तों, आपने शायद देखा होगा 83,525 और 84,150, ये दो बड़े लेवल जो है वो हमने कल के वीडियो के अंदर चर्चा करी थी। तो अगर मार्केट में आपने ध्यान दिया हो तो कल जो है वो जैसे ही ये 83,550 के ऊपर, सॉरी 525 के ऊपर जाने की कोशिश करी उसने ये वाले लेवल के ऊपर, तो मार्केट में एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो उछाल आया यहाँ से। अगर हम ध्यान दें ये वाले लेवल के ऊपर 525 के आसपास, तो यहाँ से कितना उछाल हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो मार्केट ने हाई लगाया 84,000, जो 150 का एक बड़ा रेजिस्टेंस था 84,150, तो वो रेजिस्टेंस का भी मार्केट में सम्मान किया और फिर जो है वो साइडवेज हो गया। तो ये एक बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी सेम रहेगा 84,100 के आसपास, 100-150 के आसपास, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी कल के अगर लेवल की बात करें तो कल के लेवल से मार्केट में तकरीबन तकरीबन ज़्यादा नहीं लेकिन एक जो है वो 500 पॉइंट का उछाल जो है वो मार्केट में देखने को मिला है। तो अब आज का जो बड़ा रेजिस्टेंस है जो मैं मान के चलता हूँ वो है 84,100 के आसपास, 100-150। अगर हम ये लेवल को ऊपर काटते हैं तो एक जो है वो अच्छा बाउंस जो है वो देखने की, मतलब मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर मेरा मानना है कि थोड़ा शॉर्ट वाली पोजिशनों से सावधान रहना चाहिए। बाकी आज रात को हम फिर से मिलेंगे लाइव मार्केट पर, चर्चा थर्सडे है तो आज रात को 9:15 बजे के आसपास दोस्तों चर्चा करेंगे, बात करेंगे वहां पर डिटेल में। 5 तारीख है, 5 सितंबर गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, अरे सॉरी टीचर्स डे है, लेकिन आज जो है वो लाइव चर्चा करेंगे वहां पर। मित्सु क्या है, 6-7-8 का नियम क्या है, बीबी का नियम क्या है, उसके अनुसंधान के ऊपर जो है वो वहां पर डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये चर्चा का लाभ उठाना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चैट सेक्शन में भी मैं रख दूंगा, प्रयास करूंगा, और वो लिंक ओपन करके गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जो है वो ऑनलाइन उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और उसकी खास बात यह है दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त जॉब कर रहे होंगे या अपना खुद का बिजनेस होगा, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, तो ये लाइव चर्चा की जो मेन इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि जो भी चर्चा हम करते हैं उसका वीडियो भी बन जाता है और वो भी
एकाध घंटे के अंदर प्रोसेस होके आपके पास मिल जाता है। ठीक है, मतलब 9:15 से 10:15 लगभग एक आध घंटे हमारी चर्चा चलती है, तो 11:15 के आसपास जो है वो रात को वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा और पूरे 3 महीने तक आप जो है वो उसका बेनिफिट ले सकते हो। और ये जो ऐसे लेवल है वो हम वहाँ पर एडवांस में चर्चा करने की कोशिश करते हैं और उसके कारण भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों बाउंस आएगा, ऐसा क्या दिख रहा है, मित्सु हमें क्या बता रहा है, बड़ा ट्रेंड क्या है, वो सबकी चर्चा जो है वो वहाँ पर हम करते रहते हैं। बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। एक तो 600 के आसपास है, 71,610, बहुत ही छोटा है। उसके बाद जो है वो 71,825, उसके ऊपर 72,100 और 72,350, 350। तो ये कुछ रेजिस्टेंस जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। ओवरऑली मैंने बता दिया है, बड़ा वाला जो सपोर्ट था हमारा कल भी था लगभग 71,000 के आसपास, हमने चर्चा भी करी थी, तो लगभग वही लेवल, ठीक है, लगभग 70-80 पॉइंट नीचे जाके तुरंत बाउंस लेने की कोशिश करी। कल भी लगभग वही रेंज से 71,000 से कल एग्जैक्ट बाउंस आया था, आज थोड़ा 50-70 पॉइंट नीचे जाके आया, लेकिन एक 71,000 का राउंड फिगर एक बड़ा सपोर्ट है। ये सपोर्ट के नीचे 2-3 घंटे रुकते हैं तो समस्या बढ़ सकती है, वहां पर हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, बड़ा लेवल जो है वो आपको बता दिया है, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी आपको बता दिए, बड़ा लेवल जो है वो 72,350 के आसपास रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब बात कर लेता हूँ डॉलर टर्म के ऊपर, सिल्वर के अंदर क्या हो सकता है। तो सिल्वर में डॉलर टर्म के लिए सपोर्ट जो है वो दोस्तों आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं, 2790 एक बड़ा सपोर्ट जो है वो हम चर्चा कर लेते हैं। 2790 ये लेवल के नीचे अगर रुकने की कोशिश करेगा डॉलर टर्म में XAG USD, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तेजी करने के लिए उसको कंपलसरी जल्द से जल्द 2855 ये लेवल के ऊपर जाके रुकते हैं 2-3 घंटे, तब जाकर ही कोई बड़ी तेजी हो पाएगी, बाकी तब तक जो है वो थोड़ा सा बाउंस आता रहेगा, थोड़ी प्रॉब्लम परेशानी रहेगी। 2825 का एक लेवल हमने सपोर्ट के तौर पे चर्चा किया था, वो लेवल काट के भी दोस्तों अगर ध्यान दे तो 2772 और कल भी लगभग वही डबल बॉटम के आसपास बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डॉलर टर्म का चार्ट देखे तो वहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन 1 आवर के चार्ट के ऊपर टेम्पररी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं उसका कन्फर्मेशन आएगा 2855 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है। बात कर लेता हूँ डॉलर टर्म के ऊपर गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड के अंदर डॉलर टर्म में बड़ा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो मेरे हिसाब से रहना चाहिए 2507 के आसपास, 2507 के आसपास, उसके बाद 2515 और 2530 ये एक बड़े जो रेजिस्टेंस है वो हम ध्यान में रख सकते हैं। सपोर्ट जो है वो दोस्तों कल भी बात करी थी 2490, 2480, 2470 ये लेवल बात करी थी, तो 90 के बाद कल परसों जो है वो 74 का लो लगाया और कल जो है वो 72 का, मतलब वही राउंड फिगर 70 का जो सपोर्ट है वो लेके बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो 2507 के ऊपर चलेगा तो ये जो बाउंस लिया है वो तेजी थोड़ी आगे बढ़ सकती है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन जो भी हमें कहना वो कह सकते हैं। बड़ी करेक्शन, बड़ी गिरावट जो है वो 2470 2-3 दिन से लगातार चर्चा कर रहे और यहाँ पर ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप वाला भी आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करी थी कि 2535 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा, तो वहाँ से भी अगर हम ध्यान दें तो मोटा मोटी लगभग लगभग ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो है वो 60-65 डॉलर का करेक्शन हो चुका है, तो 2470 के नीचे जाने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात कर लेता हूँ NG और क्रूड के बारे में। NG के अंदर जो है वो दोस्तों हम लगातार एक चर्चा कर रहे थे, 191 का एक लेवल जो है वो एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, तो कल मार्केट ने लगभग वही लेवल के आसपास आके अगर अभी ध्यान दे तो 12 पॉइंट का करेक्शन हो गया दोस्तों। तो सोचो ये ताकत जो है वो मित्सु की है, मित्सु जो है वो हमें एडवांस में थोड़ा बताने की कोशिश करता है कि बड़ा ट्रेंड क्या है, तो उसको सीखिए समझिए दोस्तों, मार्केट में नॉलेज लीजिए तो आपको बेनिफिट होगा, कैंडल क्या है उन सब के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, 6-7-8 का नियम क्या है, बीबी का नियम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने लायक है, समझने लायक है, तो वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बड़ा लेवल जो है वो वही रहेगा दोस्तों 191 के आसपास, अभी छोटा लेवल अगर देखने जाए आपको टेम्पररी तो 181.50 के ऊपर चलेगा तो टेम्पररी बाउंस 185 के आसपास रह सकता है, उसके ऊपर बड़ा लेवल 191 का रहना चाहिए, जब तक ये लेवलों के नीचे है तब तक करेक्शन जो है वो चलता रहेगा। बाकी लगातार हम एक चर्चा कर रहे थे कि सपोर्ट से ज़्यादा रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है,
क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस नहीं काटेगा तब तक जो है वो हम इसको खराब मान सकते हैं। तो बड़ा लेवल वापस से जो है वो काट के नीचे आने की कोशिश करिए। एक अच्छा सपोर्ट जो है वो अभी 175 के आसपास हम समझ सकते हैं। क्रूड की बात कर लेता हूँ तो क्रूड के अंदर भी दोस्तों कल एक बात करी थी कि 6050 का लेवल अगर ऊपर नहीं कटा तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब कल की चाल देख के थोड़ा सा अब इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो 6050 के आसपास आके वापस में इसमें करेक्शन हो गया है तो 6050 के ऊपर चलना जरूरी है। अगर ये 6050 के ऊपर नहीं चला तो इसमें थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। सपोर्ट के लिए अगर हम देखने जाए तो 5800 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर 5800 का लेवल काट के नीचे रुकने की कोशिश करे, 2-3 घंटे बंद आ जाता है तो फिर क्रूड के अंदर समस्याएं बढ़ सकती है। कुछ नई प्रॉब्लम, नया जो है वो कुछ निकल के बाहर आ सकता है तो वहां पर ध्यान रखना चाहिए। अगर 5800 के नीचे रुकने की कोशिश करते हैं तो ऐसा मेरा मानना है। 6050 जब तक नहीं काटेगा तब तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। और अगर ये 5800 ना काटे, फॉर एग्जाम्पल एक एजम्पशन मान के चलते हैं, और 6050 काट के रुक जाते, एक आध दो दिन क्लोजिंग कर लेते हैं ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ से हम एक बार के लिए अच्छी फिर एक बाउंस की तरफ जा सकते हैं। तो अब छोटी सी दायरा रेंज हो गया 6050 से 5800 का। दायरे में कैसे काम करना है वो सब कुछ जो है वो लाइव चर्चा में हमने डिस्कशन किया हुआ है तो वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, सीख सकते हो तो आपको जो है वो फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पर करता हूँ पूरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना, पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के अंदर बने रहे उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।